हाय दोस्तों, कैसे हैं? आइए, इस बार जो आपके लिए स्क्रिप्ट लेके आया हूँ वो है स्टार सीमेंट लिमिटेड। स्टार सीमेंट लिमिटेड सीमेंट सेक्टर की मेजर सेक्टर की कंपनी है, और जैसा आप जानते हैं कि इंडिया सीमेंट प्रोडक्शन में हाईएस्ट है, प्रोडक्शन है सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन है, चाइना फर्स्ट नंबर पे है। तो स्टार सीमेंट कंटिन्यू अभी कुछ दिनों से खराब कर रही है, परफॉर्मेंस खराब कर रही है। थोड़ा सा इसमें क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे लोग खराब कर रहे थे, ये भी खराब कर रही है। बट स्टार सीमेंट में आपको बहुत जल्दी इसमें अपसाइड दिख सकता है। आप इसको SIP करें, 1000-2000 रुपये का SIP करें, आपको बहुत फायदे में दिख सकता है। जहाँ ये 159 का हाई बनाया था, 52 वीक हाई का, वहाँ लो है 80 का। और आप 11 तारीख को देखें तो ये 4% से टूट के गिरा है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ, जो ये जितना गिर रहा है तो लो इसका जो जा सकता, हो सकता है वापस ये 80 का लो टच करके आपको दिखाए। बाइंग सेंटीमेंट देख लीजिए, 100% है, और डिलीवरी परसेंटेज इसका देखिए। ये अभी लास्ट 6-7 दिन से, इसके पहले नहीं, 66% के डिलीवरी से काम करना चालू कर दिया है। 55%, 66% की डिलीवरी से काम कर रहा है। तो हो सकता है इसमें ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में तो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, और एक बार 80 पे चला जाएगा तो और भी ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला जाएगा ये। तो एक बार अगर सिंपल से इसके बारे में जाने तो ये क्या करती है, तो स्टार सीमेंट, तो स्टार सीमेंट इज इंगेज द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ सीमेंट, क्लिंकर एंड सीमेंट। और इसका कोई भी फाइनेंशियल आप निकाल लीजिए, देख लीजिए, बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 4% है। ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही है, असम, बंगाल और बिहार में है, तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, वहाँ पे काम कर रही है, इसलिए एक एरिया में है। सेल्स ग्रोथ देखे तो लास्ट 3 ईयर्स का 4%, फेस वैल्यू देखे तो 1 रुपया का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्जिन 27%, प्राइस टू वैल्यू 2.63। अब प्राइस टू कैश फ्लो देखिए 9.70, कितना अच्छा है। इसके पास डेप्ट है 432 करोड़ का, और ये कंटिन्यू गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलते रहता है इसको। ये जो प्लांट लगाई है उसके कैपेक्स के इन्वेस्टमेंट का सब्सिडी इसको मिलते रहता है, तो डेप्ट का पेमेंट वहीं से हो जाएगा, खत्म हो जाता है। अगले 650 करोड़, तो अब जाकर 432 करोड़ है। 432 करोड़ में सिर्फ 250 करोड़ का जो है लॉन्ग टर्म का है डेब्ट, बाकी वर्किंग कैपिटल के लिए है। इसका कैश देखे, कैश इक्विवेलेंट 20 दिन लास्ट 3 ईयर्स का, तो 20 करोड़ 25 करोड़ का कैश रखता है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 486 करोड़ है और डेब्ट 432 करोड़। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 12 टाइम्स है। तो सिर्फ आपको 96-97 रुपये, फाइनेंशियली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो अगर देख लेंगे इसका, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन 400 करोड़, 500 करोड़ का तो कैश जनरेशन करता है। क्या कैश जनरेशन देख लीजिए, फली इसका 500 करोड़ का है, तो वहाँ पे मार्केट कैप आपको सिर्फ 9 टाइम, 5000 करोड़ भी नहीं है मार्केट कैप इसका। मार्केट कैप सिर्फ आपका 4000 करोड़ का है, बिलो 10 टाइम्स आपको मिल रहा है इसका कैश जनरेशन का, तो खराब नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी। और सेंटीमेंट भी आपको बाइंग दिखा रहा है। अगर शेयर होल्डिंग परसेंटेज की बात कर लूँ, ये कंटिन्यू जो रिटर्न दे रहा है निगेटिव दिया, 1 वीक हो चाहे 1 मंथ हो चाहे YTD या Y ईयर है, ये कंटिन्यूस एक रिटर्न निगेटिव में इसका आ रहा है, और ये पुरानी लिस्टिंग नहीं, नई लिस्टिंग है। और अगर शेयर होल्डिंग की बात करो तो प्रमोटर ने इस 0.13% का गिरवी इसमें शेयर रखा हुआ है, बट प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 68% है, 68.87% है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा है। FI देखे तो बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड देखे तो बाइंग कर रहे हैं। तो जब दोनों लोग बाइंग कर रहे हैं तो ये जो सेल किया प्रमोटर ने, इनको किया होगा, तो आप समझिए FI और म्यूचुअल फंड दोनों इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और FI के 22 कंपनियां इसमें, 22 लोग लगे हुए हैं, और संजय सज्जन भाजकर जी जो 11% की होल्डिंग है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। और SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड 5.78 के साथ हाईएस्ट परसेंटेज है, और 5 स्कीम है म्यूचुअल फंड के जिसमें लगे हुए, ये 5 म्यूचुअल फंड के इसकी ये पैसा लगा हुआ है। और अगर इसको एक बार हम चार्ट पे देख लेना, तो ये बोलिंगर बेंच के लोअर लेवल को टच करके नीचे पे खड़ा है। और इसके अगर मैं RSI को दिखाऊँ आपको या MACD को दिखाऊँ आपको, तो ये नीचे की ओर बता रहा है। और RSI देखिए 38% पा रहा है, ये ऑलरेडी एक बार लो 20% 27 का बनाया है, तो हो सकता है ये एक बार अपने लो को 80 को टेस्ट कर ले,
क्योंकि ये सभी मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रहा है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। ये अप ट्रेंड चालू करेगा और हो सकता है बहुत जल्दी चालू कर दे, तो वापस ये अपने जो इसको 106 को छूते हुए इसको देर नहीं लगेगा, और 106 को नहीं, ये 106 क्रॉस करते ही 120-150 की ओर जब चला जाएगा ये, तो आपको इस पर वॉच लिस्ट रखना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, जैसे जैसे ये क्रॉस करेगी अपने हाई हर लेवल को क्रॉस करेगी, तो पहले 110 112 आपको दिखाएगी यहाँ पे, 112 के बाद फिर यहाँ पे आपको 135, और वापस जब अपने हाई को जो बनाई थी 150-160 को बनाते हुए अपर साइड को जाएगी, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेगा। और जो इसने लो एक बार बनाया हुआ है 80 का जो लो बनाया हुआ है, तो उस लो को हो सकता है टेस्ट कर ले, वीकली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग फॉल है तो कंटिन्यूस में फॉल ही अभी, और आप देखेंगे यहाँ पे भी तो हैवी, यहाँ पे हैवी डार्क है, तो हो सकता है ये फॉल आपको 80 तक लेके जाए, 75 भी लेके जाए, तो ये आपके बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म से आप समझ जाइए, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में राइज मिलेगा तो ये सेक्टर बहुत अच्छा करेगी। और एज ए आइए एक बार इसके मैनेजर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के मिशन विजन को खुद सुन लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, तो उससे क्या थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर का विजन क्या है। It is our vision, mission and values that make us a great company. Our vision is to become the fastest growing and most competitive cement company in Eastern India, to be respected for high level of integrity and value, and to achieve 10 million ton capacity by 2020. We believe that our customers and our employees deserve nothing but the best. That's why our mission is to satisfy customers, upgrade products, enhance shareholder value, and respect employees. Each of us at Star Cement is committed to our vision and mission. We aim to achieve our targets with the highest level of ethics, integrity, and core values. Star Cement is manufactured in sprawling world-class plants at Lumshnong, Sonapur near Guwahati, and at three other locations in West Bengal. Through trading agreement spread over 200 hectares, the Lumshnong plant benefits from its proximity to high-quality raw materials. The ultra-modern plant built with the brand has again established itself as a true pioneer. These initiatives have won hearts and earned numerous accolades for Star Cement, such as the fastest growing company at the Economic Times Bengal Corporate Awards 2016, Mahindra Transport Excellence Award 2016, and Outdoor Asia Awards 2016 for brand campaign, among others. Cement is now writing the future as it looks beyond the Northeast. Setting its sights on markets in Eastern India, it plans to consolidate its position in new territories through constant marketing communication, brand promotion, quality product, packaging, and technical support at all stages of the construction process. Star Cement, a leader and a pioneer, the creator of new stories. तो ये था स्टार सीमेंट के बारे में। आपके उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को, चेयरमैन को सुनने से ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ जो वो विजन है वो कैसा है, तो इसलिए उसको जरूरी है सुनना और समझना कि ये विजन सही है गलत है, ये कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, कहीं पेपर पे तो केवल नहीं करती है, कंपनी परफॉर्म तो कर रही है, तो ये सब चीज़ों को जानना जरूरी है। तो लास्ट में आपको मैं ये बोलूँगा कि अगर इसके वेटेड एवरेज को एक बार वापस हम ये चेक कर लें, तो वेटेड एवरेज में जो फॉल है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज से लो फॉल है, मीन्स कि 97-87 का इसका क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए था, लेकिन 97-30 है, लोअर साइड क्लोज कर रहा है
और अगर इंडिकेटर पे देखे, चार्ट पे भी देखे, तो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एक अच्छा खासा बड़ी जो इसका रेड है, तो ये हो सकता है आपको एक बार लो यहाँ बनाते हुए फॉर्म करे। तो आप ध्यान रखिएगा जब ये अपवर्ड चांस ले, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज इसका अच्छा है। मैं आपको एक ही चीज़ बार बार बता रहा हूँ, डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे अब लास्ट 3 डेज से 4 डेज से चालू हुआ है, मतलब अब यहाँ पे उठना ही है, इसको नीचे नहीं जाना है। बहुत से बहुत 80 चला गया तो काफ़ी हो गया, 80 से आसपास, चलो कहीं पे भी एक होता है वहाँ, ऐसे नहीं 80 है तो लकीर नहीं है उसका, बट ये अप लेगा। क्योंकि और एक रीज़न क्या मैंने आपको बताया कि ये अपने बॉलिंगर बैंड्स के लोअर लेवल को टच कर चुका है। अब इससे ज़्यादा इसको यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि, और बहुत से बहुत इसकी जो गुंजाइश है टच करने की, वो यहाँ पे जो बताया 95 यहाँ पे बता रहा है। और अगर इसको मैं मंथली पे चले जाऊँ तो 93, 80 किसी भी तरह से आपको वॉल्यूम के साथ की बात करें, एक स्पाइक की बात नहीं करें, एक सिंपल स्पाइक जाता नीचे की और उसको वैल्यू नहीं देते हैं। तो आपको 85-80 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो आप इसमें SIP कर सकते हैं, 1,000 रुपये 2,000 रुपये करके आप कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर किसी का हाई पोजीशन पे, तो यहाँ एवरेज कर सकते हैं। ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, किसी को अगर मार्केट में कोई पोजीशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बनाएं। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है और ये आपको 160 रुपये का भाव दिखा सकता है। जो लेवल मैंने आपको जैसे बताया वैसे करके ये प्रोसीड कर सकता है, 112, 120, 135, 150 ऐसे करके ऊपर जा सकता है। तो आप इसमें बने रह सकते हैं, या लोअर लेवल पे ये फॉल करता है, या आपको सिग्नल, अगर आप कैंडल को पहचानते हो तो जब ये आप ट्रेंड ले वहीं पे आप इसको बाय कर लीजिए। हो सकता है वो सर्किट में रहे तो आपको नहीं भी मिले, एक मिलना चाहिए मुझे ऐसा है, तो जब अप ट्रेंड दिखा है वहाँ पर भी आप बाइंग एक कर सकते हैं। बट इससे ज़्यादा फॉल की एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लगता है कि इसमें है या हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।